हेलो किड्स, आज मैथ कोर्स बुक में हम चैप्टर 7 कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स में सेकंड टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक था ऑन एंड अंडर, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉप एंड बॉटम। बेटा ये दोनों चीज़ें आपको देखने में लगेंगी बहुत सेम हैं, बट बेटा सेम नहीं है, ठीक है। पहले आप जान लीजिए कि ऑन एंड अंडर जो है ये आपका प्रीपोजिशन है, टॉप एंड बॉटम जो है ये आपका नाउन है। ये चीज़ें तो आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जो है क्लियर होंगी, लेकिन अपने माइंड में ये जान लीजिए, ठीक है। तो अब आते हैं टॉप और बॉटम का मतलब क्या होता है, हम कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे हम पुटअप करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। टॉप मतलब बेटा होता है ऊपर, ये भी ऊपर होता है लेकिन इतनी ऊंचाई पे कि जहाँ से नीचे वाला उसे छू न सके, पा न सके, ठीक है, तो वो टॉप हो गया। और बॉटम जो है ठीक नीचे, तो वो नीचे रहे, जहाँ से उसके नीचे न जा सके, तो वो हो गया बॉटम। ऑन और अंडर में क्या होता है, ऑन मतलब भी ऊपर होता है लेकिन वो किसी चीज़ के ऊपर रहता है, और अंडर क्या होता है, वो उसी चीज़ के ठीक नीचे होता है। तो जैसे नीचे है तो नीचे से वो कहीं इधर उधर जा सकता है, ठीक है। लेकिन बॉटम जो होता है, बॉटम मतलब होता है लास्ट पॉइंट, जहाँ से फिर वो कहीं ना जा सके, तो वो बॉटम होता है। जैसे आपके बुक में पिक्चर दिया गया है, देख रहे हैं, एक माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन के ऊपर देखिए ट्री है, तो नीचे जो है इंसान जो खड़ा है, जो आदमी खड़ा है, वो उस पेड़ को नीचे से ही देख सकता है, ठीक है, वो वहाँ पहुँच नहीं सकता, और उस ट्री के ऊपर कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए ट्री क्या है, टॉप पे है, और इंसान क्या है, वो बॉटम में है, वो बिल्कुल नीचे है, इस माउंटेन के नीचे नहीं है, माउंटेन के पास ही है लेकिन ज़मीन पर खड़ा है, वो सबसे नीचे खड़ा है, अब वहाँ से वो कहीं जा नहीं सकता, ठीक है बेटा। तो समझ में आया कि बॉटम कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ टॉप यूज़ करेंगे। टॉप मीन्स सबसे ऊपर होता है, बॉटम मतलब सबसे नीचे, लेकिन हम अंडर और ऑन में कन्फ्यूज़न ना पैदा हो, इसलिए समझ लीजिए कि ऑन जो है किसी चीज़ के ऊपर, जहाँ से आप उसको हटा सकते हैं, फिर उसे रख सकते हैं, और अंडर का मतलब हुआ उसी चीज़ के नीचे, नीचे जब होता है उस चीज़ के नीचे, जहाँ से वो इधर उधर हो सकता है, तो वो अंडर हुआ। बट टॉप और बॉटम क्या है, वो अलग है। तो देखिए पिक्चर आप देख रहे हैं, लुक एट दिस पिक्चर, वेयर आर द ट्रीज, वेयर इज़ द मैन। तो आंसर क्या है, द ट्रीज आर ऑन द टॉप ऑफ द हिल। हिल मीन्स पहाड़ी के सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर जो है ट्रीज हैं। द मैन इज स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द हिल, ठीक है, और आदमी जो है वो बॉटम में नीचे खड़ा है हिल के पास, ठीक। तो इस तरह से आइए देखते हैं कुछ और पिक्चर्स, जिससे आपको समझ में आएगा कहाँ टॉप यूज़ करना है, कहाँ बॉटम। देखो बेटा ये आदमी कहाँ है, सबसे टॉप पे है, और नीचे वाला बच्चा कहाँ है, वो बॉटम में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, ये गर्ल जो है स्लाइड पे सबसे ऊपर है, और ये स्लाइड के नीचे है सबसे, ये बॉटम में है, ओके। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये बच्चा जो है बॉटम नीचे है, और इस साइड का बच्चा जो है वो आपका टॉप पे है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, ये गर्ल जो है वो एक महल में सबसे टॉप पे है, और दूसरी जो लड़की है वो बॉटम में है, नीचे है। थर्ड पिक्चर में देखिए, मंकी जो है सबसे ऊपर है, पेड़ पे सबसे ऊपर है, और दूसरा मंकी जो है बॉटम में है, ओके। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये जो फ्लैग है ये सबसे टॉप पे है, ऊपर है, और बिल्ली जो है सबसे नीचे बैठी है, बॉटम में बैठी है, ओके। अब आते हैं बेटा लेट्स ट्राई टू पे, ठीक है, जहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और ये आपको करने हैं। तो वेयर इज ईच थिंग इन द पिक्चर, पिक्चर में जो है चीज़ें कहाँ पे हैं। टेक द ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट एट द बॉटम। जो पिक्चर्स ऊपर हैं, पिक्चर्स में ऊपर
जो पिक्चर दी हुई है उस पिक्चर में जो चीज़ें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो ऊपर होगा उसे आपको टिक करना है और जो नीचे होगा उसे आपको क्रॉस करना है, कट कुट करना है, ठीक है। तो 4 पिक्चर्स आपके पास हैं और आप इसे बेटा आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद करने हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।